तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल दिखे दिखाते हैं। ज्यादा स्पीड में ये करना पॉसिबल नहीं है और ये उचित भी नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, क्या होता है, हम लोग तो गाड़ी कितना स्पीड में अपर शिफ्ट करना चाहिए गाड़ी का गियर, वो तो कभी इंडिकेटर में दिखा देता है या फिर हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे मेरा आगे वीडियो में जैसे मैं बताया हूं। तो गाड़ी को अगर ऊपर का गियर में शिफ्ट करना है तो कौन सा स्पीड में क्या करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक चीज होता है जो गाड़ी को डाउन शिफ्ट करना, मतलब गाड़ी कौन सा गियर में कौन सा गियर में होना चाहिए, तो वो भी एक जरूरी चीज है। क्योंकि अगर आप वो चीज को ध्यान नहीं रखोगे तो आपका इससे गाड़ी का इंजन का नुकसान भी हो सकता है। नुकसान किस तरह से, क्योंकि सोच लो आप, एक छोटा सा एग्जांपल दिखे दिखाते हैं। ज्यादा स्पीड में ये करना पॉसिबल नहीं है और ये उचित भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड गियर में करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे आप मेरा देख सकते हो, गाड़ी है मेरे अभी फर्स्ट गियर में, तो चलिए इसको पहले मैं सेकंड गियर में लगा देता हूँ। ये मैं सेकंड गियर में लगाया, स्पीड भी अभी लगभग आप देख सकते हो 10-20 का है, तो इतना स्पीड में आप देखो, अगर मैं अपना गियर अगर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको अचानक से मैं फर्स्ट गियर में कर देता हूँ, ये देखो, ये आप देखें मेरा मोबाइल भी जो झटका जो दे रहा है ना, तो आपको समझ में आया कि नहीं, मैं स्लो मोशन में वो दिखा दूंगा। तो ये झटका देता है गाड़ी का इंजन और जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगर आप अभी 50-60-70 का स्पीड में गाड़ी चला रहे हो और अचानक से अपना वो गाड़ी अगर आप फोर्थ या फिफ्थ गियर में चला रहे हो और अचानक से आप गाड़ी को डाउनशिफ्ट कर देते हो, इंजन का जो गैस्केट जो बोला जाता है वो गैस्केट उड़ जाएगा और आपका गाड़ी का बहुत ज्यादा मतलब इंजन बर्बाद हो जाएगा। तो गाड़ी का डाउनशिफ्ट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा सोच समझ के धीरे से डाउनशिफ्ट करना है। ऐसा नहीं जो गाड़ी ली है और फटाक से ऊपर से इतना भी गाड़ी नीचे हो नीचे कर दिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गाड़ी को धीरे धीरे से, ठीक है, सोच लो आप अभी 80 का स्पीड में चला रहे हो और गाड़ी आपका फिफ्थ गियर में है, तो आपको पहले क्या करना है, गाड़ी को स्लो डाउन करना है, तभी क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। गाड़ी को आप पहले आप सोच लो किस तरह से डाउन, एक सीधा फॉर्मूला है, सोच लो जौन सा गियर में हो इंटू 10 कर लो आप, ठीक है। सो आप 5 फिफ्थ गियर में है आपका, तो अगर 50 से नीचे आएगा गाड़ी का स्पीड तभी जाके आप उसको फोर्थ में मतलब फिफ्थ गियर में लाओ चलाओ। अगर आपको फोर्थ गियर में गाड़ी में को लाना है तो कम से कम 35-40 स्पीड का नीचे लाओ, ब्रेक दो धीरे से धीरे करो, फिर जाके गियर शिफ्ट करो। फिर अगर आपको थर्ड गियर में आना है तो 30 से नीचे गाड़ी का स्पीड कर लो, तभी जाके आपका जो प्रॉपर गियर शिफ्ट वो होगा। ऐसा नहीं जो आप 60 का स्पीड में हो और आप अचानक से गाड़ी को सेकंड या थर्ड गियर में लगा दिए, डाउन कर दिए, तो उसमें आपका इंजन का जो अंदर वो प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि गैस्केट तक उड़ सकता है, गाड़ी का जो इंजन ब्लॉक्स है वो टूट जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान में रखिएगा कि कौन सा गियर में जब डाउन शिफ्ट कर रहे हो तो क्या करना है। तो सीधा फॉर्मूला यही होता है, आपको डाउन शिफ्ट करना है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। सोच लो आपका गाड़ी में 6 गियर है, फिर से एक बार समझाता हूँ, सोच लो आपका गाड़ी में 6 गियर है, आपको 6 से 5th गियर में आना है तो आपको पहले कम से कम स्पीड को 50 में लाना है, फिर जाके आपको 5th गियर में लाना है, तो ब्रेक अप्लाई करो, गाड़ी को 50 से नीचे लाओ, फिर डाउन शिफ्ट करो, 5th गियर में आओ। फिर अगर आपको 40 में आना है, फिर से ब्रेक लगाओ, गाड़ी को स्पीड 40 से नीचे लेके आओ, तब जाके 4th गियर लगाओ। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला काम करता है और इस चीज को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं जो मिला और मैं गाड़ी को दबा के स्पीड उठाया, फिर दबा के गियर चेंज कर दिया, अनलेस अनटिल इट्स वेरी इमरजेंसी, ये प्लीज मत कीजिएगा, ये गाड़ी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप मतलब अगर मैं बताऊं, इसमें करके दिखाने लायक कुछ है नहीं, तो उसीलिए मैं जस्ट ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं अगर करके दिखाया तो गाड़ी का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो आप और मैं कोई भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी से प्यार करते हैं। तो ये चीज खाली ध्यान में रखिएगा, अनटिल अनलेस इमरजेंसी गाड़ी का जो डाउन शिफ्ट है गाड़ी का, एक बार में मत कीजिए, धीरे धीरे करके ही कीजिएगा।